दुनिया में आर्किटेक्चर और लाइफस्टाइल के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अब एक ऐसा शहर भी बनाया जा रहा है जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी में तैरता हुआ होगा। पानी में तैरने वाले शहर का अनोखा प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशन की ओर से भी हरी झंडी पा चुका है। इसे ओशियनिक्स कंपनी की ओर से बनाया गया है और यह दावा किया जा रहा है कि शहर पानी में बसा जरूर होगा लेकिन इस पर बाढ़ का कोई असर नहीं होगा। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बुसान दुनिया का पहला पानी में तैरने वाला शहर होगा। बताया जा रहा है कि अगर कोई समुद्र का जलस्तर बढ़ता भी है तो शहर के लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा। यह शहर फ्लड प्रूफ है और इसे बसाने के लिए समंदर के भीतर कुछ आर्टिफिशियल आइसलैंड बनाए जा रहे हैं। यह आइसलैंड कैटेगरी 5 के तूफानों को झेलने की क्षमता रखेंगे। यहां तक कि इनकी अपनी बिजली सोलर पावर के जरिए बनेगी जिसके लिए इमारतों के ऊपर ही सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शहर के अंदर ही पानी की खेती की जाएगी और यहां रहने वाले लोगों के लिए जरूरी उत्पादन हो सकेगा। अपने रिफाइनरी सिस्टम से पानी रिफाइन होकर इन्हें मिलेगा। चूंकि शहर में कई आइसलैंड होंगे इसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए बोट पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे पूरे शहर को बनाने में 200 मिलियन अमेरिकन डॉलर की रकम लगने वाली है। शहर के आइसलैंड को हेक्सागन शेप में बनाया जाएगा जिन पर लाइमस्टोन की कोटिंग होगी। यहां रहने वाले लोगों को सिर्फ प्लांट से मिलने वाली चीजें ही खाने को मिलेगी जो प्लेटफॉर्म के नीचे बनाए जाल पर फर्टिलाइज की जाएगी। शुरुआत में यहां 10-12 हजार लोग रहेंगे और फिर धीरे धीरे यह संख्या 1 लाख तक पहुंच जाएगी।